और अब चलिए हिंदुस्तान 100 की करते हैं शुरुआत और देश प्रदेश की 100 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो कि आपके सरोकार की हैं। पीएम मोदी ने आज यूएन के 75वें साल पर आयोजित विशेष सत्र को किया संबोधित, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर रखी अपनी बात। संयुक्त राष्ट्र में बोले पीएम, हमने कोरोना की लड़ाई को जन आंदोलन बनाया, दुनिया को समझाया वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय दर्शन। पीएम मोदी ने शांति के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन में शहीद होने वाले लोगों का किया नमन, पीएम बोले यूएन के प्रयासों से दुनिया में शांति का माहौल। लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ महामारी संशोधन विधेयक, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान, राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल। मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया तोहफा, रबी फसल पर एमएसपी बढ़ोतरी को मंजूरी। मर्यादा तोड़ने वाले 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद धरना पॉलिटिक्स, संसद परिसर में ही डाला डेरा। 2 अक्टूबर को कृषि बिल पर धरना देगी कांग्रेस, 10 अक्टूबर को होगा बड़ा आंदोलन। ट्वीट के जरिए एक बार फिर मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, कहा अपने कुशासन और गलत नीतियों के लिए जनता और भगवान को दोषी ठहराना बंद करे सरकार। कृषि बिल के विरोध में पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की तरफ से पंजाब बंद का ऐलान। जत्थेबंदियों के बंद को पंजाब की प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट यूनियन का समर्थन, पंजाब में 25 तारीख को नहीं चलेगी कोई भी प्राइवेट बस। माल्डो में चीन के विस्तारवाद पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक, 10 घंटे चली कोर कमांडर स्तर की बैठक, आज फिर होगी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में चीन ने पेंगोंग लेक से पीछे हटने से मना किया, भारत का रुख स्पष्ट, 2020 के पहले की स्थिति वो बहाल। चीन से तनाव के बीच एलएसी पर राफेल की दहाड़, पहली बार सीमा पर राफेल के उड़ान का वीडियो आया सामने। राफेल को जल्द उड़ाएंगी महिला फाइटर पायलट, भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में होंगी शामिल। नौसेना के इतिहास में सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी और रीति सिंह बनाएंगी नया इतिहास, पहली बार युद्धपोत की चालक दल में शामिल होंगी 2 महिला अफसर। पूर्वी लद्दाख में सेना के साथ निगहबानी करेंगे बैक्ट्रियन ऊंट, डीबीओ और दिप्सांग जैसे ठंडे इलाकों में होगी तैनाती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 में से 4 सदस्यों ने भारत की स्थायी सदस्यता का किया है समर्थन। दिल्ली दंगों पर स्पेशल सेल की चार्जशीट में खुलासा, 16-17 फरवरी 2020 की रात हुई थी बैठक, शादरा चांदबाग जाफराबाद के लिए बनी थी खास रणनीति। दिल्ली हिंसा मामले में 15 आरोपियों की हुई कड़कड़ुमा कोर्ट में पेशी, 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की याचिका खारिज, पुलिस कस्टडी के दौरान परिजनों से मिलने की मांगी थी अनुमति। जेएनयू में रविवार को स्वामी विवेकानंद के नाम का साइन बोर्ड टूटा मिला, एबीवीपी ने जांच और कार्रवाई की मांग की। कोरोना के चलते दिल्ली में 30 सितंबर तक सभी कार्यक्रम रद्द, कानून व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस का फैसला। कोर्ट ने वेतन संबंधी शिक्षकों की याचिका को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में बदला। दिल्ली में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 सितंबर को हो सकती है बारिश। सोमवार रात अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पायल घोष मुंबई के ओशीवरा थाने पहुंची, हालांकि नीति सातपुते भी उनके साथ मौजूद थे लेकिन महिला अधिकारी के ना होने की वजह से दर्ज नहीं हो पाई शिकायत। थाने में महिला पुलिस अधिकारी नहीं होने के कारण पायल को आज एक बार फिर से जाना होगा ओशीवरा पुलिस स्टेशन। ड्रग्स केस में जया शाह से पूछताछ में आया दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा का नाम। दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच ड्रग्स चैट की डिटेल भी आई सामने। जया शाह से एनसीबी गेस्ट हाउस में हुई पूछताछ। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नया खुलासा, सूत्रों का दावा एनसीबी की जांच दायरे में श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर के भी चैट। ड्रग्स केस में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत 4 एक्ट्रेस से होगी पूछताछ। रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती की फिर रिमांड मांगेगी एनसीबी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,87,000 के पार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 87,000 मामले सामने आए, एक दिन में 1,130 लोगों की गई जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,548 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,738 नए मामले। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी तेज, सीएम योगी आज 2 प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। यूपी में एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए 72 घंटे के अंदर मंजूरी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने का महाअभियान शुरू। कृषि बिल पास होने पर अयोध्या के संतों ने दी पीएम मोदी को बधाई। चित्रकूट में यूपीएमपी बॉर्डर पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में बिल्डर ने की मेंटेनेंस शुल्क में 60% की बढ़ोतरी, सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने किया प्रदर्शन। नोएडा में प्रेमी प्रेमिका ने खुद को मारी गोली, दोनों की मौके पर ही मौत, पहले से ही शादीशुदा थी युवती।
लखनऊ की काकोरी पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। एक युवक को छुड़ाने की कोशिश में लगी थी पुलिस। झांसी में युवक का तमंचे पर डिस्को, वीडियो हुआ वायरल। हापुड़ में पेट्रोल पंप पर खड़े डीजल के टैंकर में लगी आग, टैंकर से सैंपल लेने के दौरान हादसा। उन्नाव में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से जनप्रतिनिधियों को दिखाया आईना, बांस बल्ली से बनाया आने जाने के लिए अस्थायी पुल। हरिद्वार में 2 युवकों का देसी तमंचे पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल। कौशाम्बी में साइबर फ्रॉड गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून के प्राइवेट लैब में हो रहे हैं कोरोना टेस्ट, जिस पर उठ रहे सवाल, सीएम त्रिवेंद्र ने दिए जांच के आदेश। जबलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। छतरपुर में आपूर्ति अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। बीजापुर में सुरक्षा बलों से भरी बस नदी में गिरी, सभी जवान सुरक्षित। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, पूर्व सहायक आरक्षक के नक्सलियों ने हत्या कर दी। राजनाथ गांव में गैंगरेप के बाद एक नाबालिग की मौत, प्रेमी और उसके दोस्त पर हत्या का शक। रतलाम में चचेरे भाइयों में विवाद में चले चाकू, एक युवक की मौत, एक घायल। इंदौर से मुंबई जा रही बस में विस्फोट के बाद लगी आग, कारणों का खुलासा नहीं। देवास में टोल टैक्स प्लाजा पर बड़ा हादसा होते होते टला, ट्रक चालक ने 3 कारों को पीछे से मारी टक्कर। भोपाल में 2 लोगों पर लगा नाबालिग के साथ रेप का आरोप, मामला दर्ज। बिहार की सियासत में औरंगजेब की एंट्री, बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने औरंगजेब से की तेजस्वी की तुलना। तेजस्वी की बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। मिथिला वासियों के लिए अच्छी खबर, 8 नवंबर से दरभंगा से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान। बिहार में नहीं थम रहा अपराध, बक्सर में वकील की गोली मारकर हत्या। हाजीपुर में पीएनबी से दिन दहाड़े 10 लाख के अधिक की लूट। रामगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट। साहिबगंज में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में मानवता शर्मसार भ्रूण हत्या के शिकार नवजात के शव को जानवर नोच कर खाते दिखे। कटिहार में झपटा मार गिरोह के 2 बाइक सवार अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 किलो अफीम, 5 क्विंटल डोडा चूरा बरामद। अलवर के भिवाड़ी में दिन दहाड़े उद्योगपतियों से लूट की घटना आई सामने। धौलपुर में गैंगरेप की पीड़ित नाबालिग ने किया सुसाइड, 2 युवकों ने हथियार के दम पर गैंगरेप किया था। बांसवाड़ा में एक मां ने अपने 2 बच्चों को जहर दिया, खुद भी फांसी लगा ली। सवाई माधोपुर में आपस में भिड़े 2 गुट, ट्रैक्टर चलाने की बात को लेकर मारपीट। अजमेर में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने किया रेप का वीडियो वायरल। सीकर में पर्स छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने दबोचा, जमकर की धुनाई। बाड़मेर में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, एक घायल। उदयपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। जोधपुर में पुलिस ने मिनी ट्रक से 45 लाख रुपए और शराब बरामद किए। लुधियाना में 4 नकाबपोश लुटेरों ने एक फैक्ट्री मालिक से की लूट। मानसा पुलिस ने बंदूक की नोक पर कार लूटने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक चीन से आयात 27.6% घटी। सोने चांदी में भारी गिरावट, एमसीएक्स पर सोना 1,000 रुपए से ज्यादा प्रति 10 ग्राम गिरा। टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सन का एक लिमिटेड पीरियड सब्सक्रिप्शन ऑफर किया लॉन्च। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराया। कोमोलिका ने छोड़ा कसौटी जिंदगी शो, इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की। करिश्मा कपूर ने श्रीदेवी संग काम को किया याद, लिखा इमोशनल पोस्ट। नेहा कक्कड़ और सनी कौशल के नए गाने तारों के शहर की रोमांटिक केमिस्ट्री ने धमाल मचाया। मैक्सिको में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप से करीब 270 वेल्स को किया गया रेस्क्यू। ताइवान में पर्यावरणविदों की अनोखी पहल, जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो रहे पौधों को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया। अपने मालिक को देख इस कुत्ते का रिएक्शन देखने लायक है। संगीत की समझ इस बिल्ली को कितना ज्यादा है देखिए। कैसे इस डॉग को चिप्स दिया गया तो झट से खाने लगा, तस्वीरें देखिए। घोड़ों की रेस आपने खूब देखी होगी, लेकिन आज देखिए भैंसों की दौड़। डॉग कितने प्यारे होते हैं, एक झलक इस वीडियो में। वीडियो में देखिए कैसे ये बिल्ली बिना किसी सामान को गिराए आगे बढ़ रही है। ये शख्स आग से स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, फिर क्या हुआ देखिए। चिंपैंजी का चलने का अंदाज देखकर आप हो जाएंगे लोटपोट।
बाइक पर बैठकर रेस लगाने की कोशिश, देखिए क्या हुआ। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।